लोगों का स्वागत करती हूँ आप सभी का खास मन पसंदीदा प्रोग्राम पब्लिक डिमांड। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए आप सभी लोगों को भोजपुरी इंडस्ट्री पे रिलीज होने वाले बॉक्स सोशल मीडिया पर की कई फिल्में, गाने और फिल्म के ट्रेलर के बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए, मुझे पता है आप लोग भी उत्सुक होंगे आज की खबर को जानने के लिए। तो आज हम बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के मेगा स्टार रवि किशन की फिल्म। जी हाँ, हाल ही में मेगा स्टार रवि किशन की फिल्म रिलीज हुई है, बैरी कंगना पार्ट 2। जिस फिल्म को लेकर, जो फिल्म जो है वो एक कॉमेडी के साथ साथ देखा जाए तो रोमांस एक्शन के साथ साथ भूत प्रेत जैसी बातों पर, कहानियों पर आधारित फिल्म है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो इस फिल्म की कहानी जितनी दिलचस्प है, जितनी लाजवाब है, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी इस फिल्म के गाने हैं जो कि सोशल मीडिया पर रिलीज होने शुरू हो चुके हैं। इससे पहले सपना चौधरी, जो कि हरियाणा की डांसर है, उन्होंने पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री की इस फिल्म के जरिए, जिनका एक गाना रिलीज हुआ। और कल एक बार फिर से बैरी कंगना पार्ट 2 का एक गाना रिलीज हुआ है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं अपनी रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार मेगा स्टार रवि किशन के अलावा और ऐसे कौन से स्टार हैं जो कि इन्होंने जिन्होंने इस फिल्म में काम किया है, और उनके जो गाने हैं, उनका जो कलाकारी है, वो फिल्म और गानों के जरिए दर्शक तक पहुंचने की कोशिश की गई है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं गाने के जरिए, जिस गाने के बोल हैं प्रिया ओढ़निया में, ऐसे गाने हैं जो कि एक बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है और दर्शकों को दिल को छू के जाने वाले ये गाने हैं। और अब मैं इस बात की श्योरिटी लेती हूँ कि अगर जो आप एक बार गाना इसको सुन लेंगे तो आप भी रोमांटिक मूड में हो जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, तो चलिए आपको एक झलक दिखाते हैं अपने रवि किशन के गाने के और उनके फिल्म से जुड़ी ये खास रिपोर्ट की। भोजपुरी इंडस्ट्री के मेगा स्टार रवि किशन की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बैरी कंगना 2 का अब गाने वीडियो के साथ ही सोशल मीडिया पर रिलीज होने शुरू हो चुके हैं। अब आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक बार फिर से बैरी कंगना 2 का गाना रिलीज हुआ है, जिस गाने के बोल है प्रिया ओढ़निया में। आपको बता दें, ये गाना बैरी कंगना पार्ट 2 का है, सॉन्ग के बोल है प्रिया ओढ़निया में और सिंगर है आलोक कुमार, वहीं लिरिक्स श्याम देहाती जी ने लिखा है और प्रोड्यूसर अशोक श्रीवास्तव है, वहीं डायरेक्टर अशोक त्रिपाठी है। वहीं अगर स्टार कास्ट की बात करें तो रवि किशन, काजल राघवानी, शुभी शर्मा, अभिषेक मिश्रा, कुणाल सिंह के साथ सपना चौधरी इस गाने में मौजूद है। साथ में ही इस फिल्म में उमेश सिंह भी नजर आएंगे। वहीं म्यूजिक डायरेक्टर मधुकर आनंद है और म्यूजिक को इंटरटेन म्यूजिक भोजपुरी पर रिलीज किया गया है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भले ही इस गाने को अभी ज्यादा व्यूज नहीं मिले हैं, भले ही इस गाने को अभी ज्यादातर लोगों ने नहीं देखा, लेकिन अभी तक इनके जितने भी गाने आए हैं वो बॉक्स ऑफिस पर कमाल मचा रहे हैं और उम्मीद है कि ये गाना भी दर्शकों को खूब पसंद आने वाला है और ये गाना भी दर्शकों के दिलों पर छू जाएगा। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री के मेगा स्टार रवि किशन की फिल्म और उनके गाने दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। लेकिन जो दर्शक जो बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्म देखकर आए हैं वो तो खैर उनकी तारीफ कर रहे हैं, ये पब्लिक रिव्यू के जरिए हमने आपको बताया ही। लेकिन अब यहाँ का पब्लिक रिव्यू या फिर पब्लिक डिमांड जानना काफी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए एक झलक दिखाते हैं हम रवि किशन के उन गानों में, उन रवि किशन की फिल्म के उन गानों की जो कि इस गाने के जरिए दर्शकों ने अपनी दिल की बात कही है। पहला जो मैसेज है वो ट्रेंडिंग की तरफ से, जिन्होंने लिखा है नाइस सॉन्ग, पवन सिंह की तरफ से मैसेज है बहुत अच्छा। वहीं MD गुलजार जिनके तरफ से मैसेज है बैरी कंगना 2 के पूरे वीडियो सॉन्ग HD कब आएंगे देखा जाए। तो भाई अब दर्शकों की डिमांड बढ़ती जा रही है और देखा जाए तो बहुत जल्द इनके गाने का जो HD फेम है वो बहुत जल्द ही रिलीज होगा। अगला विशाल भारती का कमेंट मैसेज है, जिन्होंने लिखा आई लव यू आलोक कुमार। भैया बिल्कुल जी, देखा जाए तो स्टार के साथ साथ स्टार्स के अलग जो लोग हैं जो फिल्म के पीछे, पर्दे के पीछे काम करते हैं, उनको भी इस बात की इंफॉर्मेशन दी गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला कमेंट हमारे पास विशाल भारती का है, जिन्होंने लिखा है बेस्ट सॉन्ग इन दिस मूवी, वेरी नाइस, काफ़ी अच्छा लगा है इन्हें ये सॉन्ग। मिथिलेश की तरफ से मैसेज है बहुत बहुत नाइस, सुनील जी की तरफ से मैसेज है नाइस सॉन्ग।
बंसल जी की तरफ से मैसेज है नाइस सॉन्ग, और बंसल साहिब की तरफ से मैसेज है ऑसम। आपको बता दें सुदराम राय की तरफ से मैसेज है मस्त। वहीं राजा सिंह की तरफ से मैसेज है सुपर एंड नाइस। राजा यादव की तरफ से मैसेज है यार कम से कम एडिटिंग तो ठीक कर लिया करें, बिल्कुल ग्रीन पर्दे पे भी कोई क्यों हो ठीक से नहीं किया, साफ साफ पता चल रहा है कि ये गाना मतलब ये जो गाने की एडिटिंग है वो ठीक नहीं की गई एंड वेरी वेरी बैड एडिटिंग, इससे अच्छा तो मैं कर सकता हूँ भाई। देखा जाए तो जहाँ पर फिल्म के जो गाने जिन्होंने गाया है उनकी तारीफ हुई तो वहीं एडिटिंग की थोड़ी कहीं ना कहीं भाई देखा जाए तो दर्शकों की तरफ से शिकायत ज़रूर आ गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला कमेंट हमारे पास मिथिलेश का ही है जिन्होंने लिखा है गुड नाइस। प्रिया कुमारी का मैसेज है वेरी नाइस सॉन्ग। वहीं पर शिव चंदन का मैसेज है, शिव चंदन चौधरी जी का मैसेज है ओ ऑसम, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। मैं आपको बता दूं जब रवि किशन की ये फिल्म बन रही थी, जब इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो रवि किशन का एक बयान सामने आया। उन्हें पहले ये यकीन नहीं था कि भूत प्रेत जैसी आत्माएं होती हैं और इस तरीके की कोई चीज़ें होती हैं, लेकिन जब उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग की तो उन्होंने इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा खुद भी किया है कि उन्होंने आत्माओं जैसी चीज़ों को महसूस किया है। खैर कई बार चीज़ों जो दर्शक हैं वो चीज़ों को रोल में ही समझते हैं, लेकिन नहीं, कई बार रोल की चीज़ें रियल में भी कन्वर्ट होती हैं, जो कि रवि किशन ने फील किया है और उस चीज़ को वो अपने दर्शक से बताते हुए बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं है। मुझे देखा जाए तो रवि किशन की बात जो ये बात है बहुत सबसे ज़्यादा भाई है, और मैं इस बात का जिक्र अभी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी उन दर्शकों की ही बात कर रही हूँ जिन्होंने रवि किशन के गाने को सुना है, उनको जानते हैं, उन्हें ढेर सारा प्यार देते हैं। आगे बढ़ते हैं, सिंगर राजकुमार की तरफ से मैसेज है सुपर आलोक भैया। देखा जाए तो गाने के सिंगर की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है। रोहित यादव की तरफ से मैसेज है वेट अपडेट को येलो बोलो या फिर अंधे को वेट को अपडेट को येलो बोलो या फिर अंधे हैं ये लोग की जिस तरीके से गाने को बनाया गया है या जिस तरीके से इसे दिखाया जा रहा है वो ठीक नहीं है, और मुझे ये देखा जाए तो बार बार ये एडिटिंग के ऊपर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। वहीं पर राजकुमार की तरफ से मैसेज है वेरी नाइस। भोजपुरी पंजाबी की तरफ से मैसेज जो आया, उन्होंने थोड़ी इस गाने पर अब्यूज़ वर्ड यूज़ किए हैं जो कि कहीं ना कहीं इस गाने के जो प्रॉब्लम जो बातें हैं उन्हें बुरी तरीके से दर्शाता है, नेगेटिव पॉइंट में लेके जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास जो कमेंट आया हुआ है, जो हमारे दर्शकों में से जो कमेंट आया है उसमें अगला कमेंट सानिया जी का है जिन्होंने लिखा है वेरी वेरी नाइस सॉन्ग। एक्शन किंग सत्या की तरफ से मैसेज है जी आहो खतरनाक सॉन्ग, बहुत फैंटेस्टिक गाना बा, हम के तो बहुत ज़्यादा पसंद आ गए एंड सुपर प्रियंका मैम। पवन यादव की तरफ से मैसेज है आई लव यू काजल राघवानी जी, यानी कहीं ना कहीं काजल राघवानी और शुभी शर्मा जैसे जो हमारी अदाकारा है भोजपुरी इंडस्ट्री की, उन्हें ढेर सारा प्यार इस फिल्म के जरिए मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास रामू मिश्रा का मैसेज है जिन्होंने लिखा जी अहो बिहार मोर, और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है और बहुत बहुत प्यारा काम किया है रवि किशन जी ने भाई। हमेशा की तरह इस बार भी रवि किशन को ढेर सारा दर्शकों की तरफ से प्यार मिल रहा है, उनकी सराहना की जा रही है। वहीं संतोष की तरफ से मैसेज है बहुत ही प्यारा मैसेज है और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है आपका और बहुत ही प्यारी आपने फिल्म बनाई है और इसी तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ता रहेगा तो कहीं ना कहीं हर किसी को कह सकते हैं मौका मिलेगा। देखा जाए तो दर्शकों बहुत से ऐसे दर्शक हैं जिनके कई ऐसे कमेंट्स होते हैं जो वाकई में दिल को छू जाने वाले होते हैं। पहले भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर लोगों की सोच लोगों की जो थॉट थे वो कुछ और ही थे, लेकिन अब जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे लोगों की सोच भी बदलती जा रही है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनमें सबसे बड़ा जो हर किसी का प्रॉपर का योगदान रहा है, चाहे हम बात करें स्टार्स की, चाहे बात करें फिल्म मेकर्स की, चाहे बात करें हम राइटर्स की। कहानी में कुछ नया लिखते हैं तभी उस चीज़ को पर्दे पर दर्शाया जाता है और इसी वजह से दर्शक उसे देखना पसंद करते हैं। तो ये चीज़ भोजपुरी इंडस्ट्री में अब बहुत तेज़ी से हो रहा है और वो दिन दूर नहीं जब टॉलीवुड और बॉलीवुड जैसे स्टार्स को इंडस्ट्री को भी टक्कर देगा भोजपुरी इंडस्ट्री। फिलहाल दोस्तों आज के इस प्यारे से कमेंट के साथ ही आज खास प्रोग्राम के यहीं पे समाप्त करते हैं। कल आपके सामने फिर से लेकर हाजिर होंगी आपका खास मन पसंदीदा प्रोग्राम पब्लिक डिमांड। तक हमारे चैनल X9 न्यूज भोजपुरी को देखिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर,
वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।